नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार मैथ ज्ञान भाई एस के यूट्यूब चैनल में आपका आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भिन्नों का जोड़। तो दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, यहाँ एक एग्जांपल ले रखा है मैंने, दो एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊँगा कि भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं और बहुत आसान तरीके से और बहुत जल्दी करेंगे हम। तो दोस्तों, यहाँ दे रखा है 2 सही 1/4 प्लस 5 सही 2/3 प्लस 4 सही 1/2। तो दोस्तों, ये मिश्रित भिन्नों का जोड़ करना है हमें। तो हम क्या करते हैं, इनके जो जैसे 2 है 5 है 4 है इनको अलग लिख लेते हैं। तो 2 प्लस 5 प्लस 4 इनको अलग लिखने के बाद दोस्तों, अब क्या करते हैं, जो बटे में है 1/4 2/3 और 1/2 इनको अलग लिखते हैं। तो 1/4 प्लस 2/3 प्लस 1/2। तो दोस्तों, इनको जोड़ते हैं, 5 4 9 और 2 11, ये हो जाता है 11। प्लस इनका एलसीएम कितना आता है, 4 3 2 का आता है 12। 12 एलसीएम लेने के बाद 4 का भाग देते हैं तो 3 बार जाता है, 3 को 1 से गुणा करते हैं 3। प्लस 3 को भाग देते हैं 4 बार जाता है और 4 को 2 से गुणा करते हैं 8। प्लस 2 का भाग देते हैं 6 बार जाता है और 6 को 1 से गुणा करेंगे 6। तो इस प्रकार हमें क्या मिल जाएगा, 11 प्लस 8 6 14 और 3 17, 17/12। तो दोस्तों, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 11 प्लस 17 में 12 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। प्लस और कितना बच गया, 5, तो इसे लिख देंगे 5/12। तो दोस्तों, 11 और 1 12 12 सही 12 प्लस 5/12 आ जाता है, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 12 सही 5/12। तो दोस्तों, इस प्रकार इसका ये आंसर हो जाता है 12 सही 5/12। एक बार और बता देता हूँ, इन तीनों को जोड़ते हैं तो आता है 11 और इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 4 3 2 का 12। 4 का भाग दिया तो 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3। 3 का भाग दिया 4 बार और 4 को 2 से गुणा किया 8। 2 का भाग दिया 6 बार और 6 को 1 से गुणा किया 6। इसी प्रकार 11 प्लस क्या हो जाएगा, 8 6 14 3 17/12। अब दोस्तों, 12 का भाग देते हैं 17 में तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो 1 लिख देते हैं। प्लस कितना बचा, 5, तो 5/12। अब 11 1 12 और ये 5/12 एज इट इज। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 सही 5/12। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल जिससे आपको और क्लियर होगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है 3 सही 1/2 प्लस 4 सही 3/4 प्लस 5 सही 4/6। तो दोस्तों, हमें इसे सोल्व करना है। तो दोस्तों, क्या करते हैं, 3 और 4 और 5 को अलग लिख लेते हैं, 3 प्लस 4 प्लस 5। ये अलग लिखने के बाद दोस्तों, अब जो बटे वाले हैं वो अलग लिखते हैं। तो 1/2 प्लस 3/4 प्लस 4/6 लिखने के बाद दोस्तों, इनको जोड़ते हैं, 5 4 9 और 3 12। प्लस इनमें एलसीएम क्या आएगा, 2 4 6 में एलसीएम क्या आएगा, 12। 12 एलसीएम लेने के बाद दोस्तों, 2 का भाग देते हैं 12 में कितनी बार जाएगा, 6 बार। प्लस 4 का भाग देते हैं 3 बार जाता है और 3 को 3 से गुणा करते हैं तो 9। प्लस 6 का भाग देते हैं तो 2 बार जाता है और 2 को 4 से गुणा करते हैं 8। लिखने के बाद दोस्तों, अब क्या करते हैं, 12 प्लस 6 और 9 15 15 और 8 23, कितना आ जाता है, 23/12। तो दोस्तों, हम इसे लिखते हैं 12 प्लस 23 में 12 का भाग देते हैं तो 1 बार जाएगा। प्लस कितना बचता है, 11। 11/12 लिखते हैं और 12 में 1 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 13। प्लस 11/12। अब दोस्तों, हम इसे लिख सकते हैं 13 सही 11/12। तो दोस्तों, इस प्रकार ये 2 क्वेश्चन हम करते हैं जो भिन्नों के जोड़ के हैं, मिश्रित भिन्नों के जोड़ के हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। शुभ दिन।